हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज ब्लॉगर पे। गाइस, इस वीडियो में बहुत ही कमाल की और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं। वीडियो को आप लोग एंड तक पूरा वॉच करना। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि ऑन अराइवल वीज़ा और वीज़ा फ्री दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है, आखिर वीज़ा फ्री क्या चीज़ होता है। बहुत से वीडियोज़ आपने देखे होंगे कि फ़लानी कंट्री चले जाओ वीज़ा फ्री है, एक रुपया वहाँ लाख रुपये होते हैं, हज़ार रुपये लेकर के जाओ वहाँ लखपति बन जाओ करोड़पति बन जाओ। तो उसी सब टॉपिक पे यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो गाइज, इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नया चैनल है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। 27 अक्टूबर को दिवाली वाले दिन मेरी सिंगापुर की फ़्लाइट है, मैं वहाँ पे व्लॉगिंग करने जा रहा हूँ, तो कमाल के कुछ व्लॉग भी आपको देखने को इस चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करता हूँ मैं ऑन अराइवल वीज़ा की, उसके बाद बताऊँगा वीज़ा फ्री आखिर होता क्या है, फ्री वीज़ा क्या होता है। गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। ये वीडियो जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा उसी वेबसाइट के अकॉर्डिंग देने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोगों को कोई भी डाउट रहे आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो ताकि आप लोगों को ऐसा अदर फिर अगर मैं ऐसे कुछ भी बोल दूँ तो अदर कॉन्टेंट में और मेरे वीडियो में कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। इस टॉपिक पे हज़ारों लाखों यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस है, बट उनमें से ऑलमोस्ट 80% वीडियो सिर्फ और सिर्फ व्यू के लिए बनाई गई है और सारी वीडियो लगभग फेक है। उसके अलावा 20% क्रिएटर्स हैं, काफ़ी अच्छे कंटेंट हैं उनके, उनसे मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है, तो क्रेडिट देना चाहूँगा मैं उन लोगों को भी। तो गाइस, चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आखिर में वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है और फ्री वीज़ा क्या होता है। गाइस, वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब है कि जैसे आप लोग यहाँ से चले गए, एक चीज़ और है, वीज़ा ऑन अराइवल पे आप तभी जा सकते हो अगर आपका पासपोर्ट ECNR यानी कि इमिग्रेशन चेक नो रिक्वायरमेंट। जी हाँ गाइस, अगर ECR है यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो उस पर आप लोग नहीं जा सकते हो। जैसे कि मैं कतर गया था आज से 6 महीने पहले, तो गाइस उसके लिए पासपोर्ट की भी मैं बता देता हूँ क्राइटेरिया कि अगर आप लोग 10th पास हो तो आपका पासपोर्ट ECNR होगा, और अगर आप लोग बिलो 10 हो तो गाइज आपका पासपोर्ट ECR होगा यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। वैसे इमिग्रेशन तो दोनों पे होता है, मगर आगे मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है। अगर 10th से कम हो आप लोग तो कतर आप लोग बिना वीज़ा के नहीं जा सकते हो। मैं जैसा कि गया था, मैंने जाने की आने की दोनों साइड की टिकट बुक किया जिस दिन मुझे जाना था, और मैक्सिमम 1 महीने आप स्टे कर सकते हो कतर के लिए बता रहा हूँ मैं, आगे और भी कंट्रीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ से आप जब जाते हो तो आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट कम से कम 6 महीने उसकी वैलिडिटी बची होनी चाहिए, और उसके अलावा गाइज आपके पास वहाँ पे रुकने का, एकोमेंडेशन का, होटल बुकिंग का, उनके पास आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए और आप लोग जा सकते हो। जब आप लोग जाते हो एयरपोर्ट पे कतर पहुंचने के बाद, इमिग्रेशन जब होता है एयरपोर्ट से आप बाहर निकलते हो। जी हाँ गाइज, यहाँ से इंडिया में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ जब बाहर निकलते हो तो गाइज वो आप लोगों का वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग आने का पर्पज़ क्या है। इतना क्रिटिकल नहीं है, कुछ लोगों ने वीडियो डाल रखी है यार कि इमिग्रेशन में ये वो ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज। इतना मैं अब तक इतनी कंट्रीज़ गया हूँ, मैंने ऐसा कहीं कुछ नहीं देखा, इतना मुश्किल नहीं है। बस वो आपको देखेंगे, आप आई स्कैन करेंगे और उसके बाद वो बस आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद वो आपके पासपोर्ट पे एक स्टाम्प लगा देते हैं, वो हो गया आपका ऑन अराइवल वीज़ा। ऑन अराइवल यानी कि आप वहाँ पहुँच करके उस वीज़ा को ले रहे हो। आप लोग जिस भी कंट्री जा रहे हो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के, फाइनल डेस्टिनेशन पे आपके पासपोर्ट पे एक स्टाम्प लगा दिया जाता है जो 1 महीने के लिए वैलिड रहता है, वो है ऑन अराइवल वीज़ा। कतर का वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा गाइस, नेपाल एक ऐसी कंट्री है दुनिया की जहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक कंट्री है वीज़ा फ्री। भूटान भी है, उसमें भी आपको वहाँ पे एक एंट्री पास चाहिए भूटान के लिए भी। जी हाँ गाइस, नेपाल जो है गाइस आपको फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप लोग जितना दिन रहना चाहो रह सकते हो, अलग कंट्री है। बट नेपाल का एक अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, अलग रूल्स है। इंडियन बंदा नेपाल में बिल्कुल इंडियन की तरह ही रह सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपना पासपोर्ट लेके जाते हो तो इस पर अगर वो स्टाम्प लगाते भी हैं तो सिर्फ वो इसी चीज़ का प्रूफ है कि जैसे आधार कार्ड वैलिड नहीं, एक आपने बस अपना आईडी कार्ड उनको दिया है, आपका पासपोर्ट एज ए आधार कार्ड या एज ए आइडेंटिटी प्रूफ वो सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, और उनको ये नहीं है कि वीज़ा होना चाहिए। अब बात करता हूँ गाइज मैं यहाँ पर वीज़ा फ्री का। वीज़ा फ्री का मतलब यही है कि जैसे कतर आप लोग गए, वीज़ा तो है, ये मतलब नहीं है कि पासपोर्ट पे स्टाम्प नहीं लगेगा या वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। दुनिया की कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ आप बिना वीज़ा के जा सकते हो। ऑन अराइवल वीज़ा होगा, इलेक्ट्रिक वीज़ा होगा। इलेक्ट्रिक वीज़ा आप लोग पहले जो पेपर पे आ जाता है आप लोग वो लेकर के जाते हो, वो इलेक्ट्रिक वीज़ा। जैसे अभी मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, वो है इलेक्ट्रिक वीज़ा। जी हाँ गाइस, तो ये चीज़ है गाइस। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो ऑन अराइवल वीज़ा है वो आपको समझ में आ चुका है। अब बताता हूँ फ्री वीज़ा का।
फ्री वीज़ा कतर का जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, थाईलैंड अगर आप लोग जाते हो ऑन अराइवल वीज़ा थाईलैंड का भी अवेलेबल है, मगर उसमें प्रॉब्लम ये है वहाँ पहुँचने के बाद उसकी आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, तो देन यू कांट से कि वो वीज़ा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री नहीं है। बट ये है कि बिना वीज़ा के आप लोग यहाँ से थाईलैंड पहुँच सकते हो, आपको आने जाने की दोनों उनको फ़्लाइट टिकट शो करवानी पड़ेगी बस, और वहाँ पे स्टे कहाँ करना है ये शो करवाना पड़ेगा, और कभी कभी वो आपसे डॉलर या फिर क्रेडिट कार्ड आपका शो करवाने को पूछ लेते हैं इमिग्रेशन पे, इमिग्रेशन वाले कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, बस ये है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है जितना मुश्किल लोग वीडियोज़ में बताते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद आपको गाइस जो फीस होती है $30, $50, $100, जो भी जिस कंट्री का टर्म्स एंड कंडीशन है, रूल्स है, एम्बेसी ने जो फीस जो निर्धारित किया है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे फीस पे करनी होती है, और उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। कई बार ऑन अराइवल वीज़ा पे जब आप लोग जाते हो तो रिटर्न भी भेज दिया जाता है। अब वीज़ा फ्री और ऑन अराइवल का मैं आपको मतलब बता देता हूँ, वीज़ा फ्री और बिना वीज़ा फ्री का। वीज़ा फ्री का मतलब यही है कि किसी कंट्री आप जा रहे हो, वीज़ा का कोई चार्ज नहीं है। एक और कंट्री है फिलीपींस, जहाँ पे आप लोग 14 दिन के लिए स्टे कर सकते हो। अगर आप लोग कैनेडियन सिटीजन हो या फिर इंडिया के स्टूडेंट हो, सिंगापुर में स्टडी कर रहे हो, या टूरिस्ट वीज़ा पे आप लोग सिंगापुर गए हो, वहाँ से आगे फिलीपींस जाना चाहते हो, तो आपके पास गाइस जाने की आने की रिटर्न टिकट शो करवानी पड़ेगी। आपको स्टे कहाँ करना है वो शो करवाना पड़ेगा, और आप लोग फिलीपींस ईजिली जा सकते हो, आ सकते हो। लिस्ट है, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दिया उस पर कौन कौन सी कंट्रीज़ है, क्या क्या वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे आप लोग वहाँ जा सकते हो, कैसे आप लोग वहाँ से आ सकते हो, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है गाइस। तो अब आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्री वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा तीनों क्या चीज़ है। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो, बेल आइकन को प्रेस करना, साथ ही साथ चैनल को शेयर भी कर देना, नया चैनल है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक अगले नए सीरीज़ में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।